हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे हम यूज़र फॉर्म में एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। मोर ओवर इसमें ज़्यादा स्ट्रेस इस बात पे देना है कि हम जो इमेज इंसर्ट कर रहे हैं वो थोड़ी सी हमारे ओवरऑल यूज़र फॉर्म को या हमारी लुक को कैसे प्रोफेशनली उसको इन्हेंस कर रही है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा नॉलेज जो है वो आपको फोटोशॉप की रखनी पड़ेगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक इमेज है जो इंटरनेट से डाउनलोड की थी। सिंस ये जो इमेज है ये बिलोंग करती है कंस्ट्रक्शन कंपनी से, तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने ये पिक्चर डाउनलोड कर लिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा एडिट करूँगा फोटोशॉप के थ्रू, एंड देन आपको दिखाऊँगा कि कैसे हम इसको यूज़र फॉर्म में इंसर्ट कर सकते हैं। और वो जो यूज़र फॉर्म का लुक है, देखिए कैसे वो थोड़ा सा चेंज होकर के सिंपल से एक प्रोफेशनल लुक में आता है। मैं सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि हमको इतना ही चाहिए, अदरवाइज़ अगर मैं पूरी इमेज सिलेक्ट करूँगा तो वो थोड़ी सी लुक जो है वो ठीक नहीं लगेगी। और इसको इमेज को मैं थोड़ा ब्लैक एंड वाइट कर लेता हूँ। जब आप इसको सेव करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि इसको एज अ बीएमपी सेव करना है। ये देखिए अभी जो यूज़र फॉर्म है वो बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन अब जो मैंने इमेज को एडिट किया है उसको हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और देखिए इसकी लुक जो है वो थोड़ी सी प्रोफेशनल हो जाएगी। सेव किया, इसको चलाते हैं। देखिए अब थोड़ी सी जो लुक है वो आपको प्रोफेशनल सी दिख रही है। मान लीजिए आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं तो ये जो इमेज है थोड़ी सी फिट हो रही है उस पर्टिकुलर सेक्टर में। इसीलिए मान लीजिए इसी तरह आप अगर हॉस्पिटल की कोई ईआरपी डिज़ाइन कर रहे हैं या एचआरएमएस डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर आप उस तरीके का थोड़ा सा एक कंटेंट जो है वो अपने यूज़र फॉर्म में लेके आ सकते हैं और इससे थोड़ी सी लुक जो है वो प्रोफेशनल बन जाती है। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ तो इसलिए जो हमारी जो ईआरपी चल रही है उसके मैं आपको थोड़े से स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो देखिए कि कैसे वो ओरेकल में डिज़ाइन की हुई है और उन्होंने एक प्रोफेशनल लुक जो है वो अपनी ईआरपी को दे रखा है।
ये देखिए ये हमारी ईआरपी है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये थोड़ा सा जो उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है वो लुक दे रहा है कि हाँ एक प्रोफेशनल कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है, रादर देन के वो पीछे एक बैकग्राउंड जो है वो है वो प्लेन कलर का हो और वाइट कलर का या कुछ और भी कलर हो, लेकिन सिंपल सा लगता है। लेकिन इसमें अभी क्या है, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक हमको दिखाई दे रही है। दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में थोड़ा सा नॉलेज जरूर मिली होगी कि कैसे हम इमेज इंसर्ट करके थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।